नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं उन्नत पोल्ट्री फार्म के अंदर। इससे पहले भी एसी पोल्ट्री फार्म या आप एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड पोल्ट्री फार्म भी बोल सकते हैं, वो हमने आपको दिखाए। आज उन्नत पोल्ट्री फार्म के अंदर उसका ही एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में जो ये एसी फार्म है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है तो एसी फार्म ही, एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड पोल्ट्री फार्म, लेकिन ये डबल शेड है। आप देख सकते हैं एरिया में कि कम खर्च में ही आप किस तरीके से इसे दो शेड के ऊपर, एक से ऊपर एक आप बना सकते हैं, वो यहाँ पे बनाया गया है। और कम पैसे, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम कर कर भी और एक अच्छा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकते हैं। ये शेड को जो 25,000 का या 30,000 का होने वाला था, उसे शेड को 50,000 का बना दिया गया है। और आप बोल सकते हैं कि 25% आपका एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। तो यहाँ पे आज हम आपको इसका पूरा अंदर से दिखाएंगे कि किस तरीके से डबल शेड बना सकते हैं और सारा काम कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट किस तरीके से, जो पुराने वीडियो में हमने चीज़ें कवर नहीं की थी, ताकि हम कंपैरिजन कर सके उस शेड के मुकाबले और इस शेड में क्या अंतर है, वो हम इसमें कंपैरिजन करेंगे आज वाली वीडियो में। चलिए तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे वाले पोर्शन में। नीचे वाले पोर्शन में देख लेते हैं कि एनवायरमेंट कंट्रोल्ड पोल्ट्री शेड ब्रॉयलर के लिए किस तरीके से बनाया जाता है और क्या क्या उसके अंदर लगाया जाता है। यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं कि पिलर का इस्तेमाल किया गया है। पिलर का इस्तेमाल इस वजह से किया गया है ताकि इसके ऊपर भी आप आसानी से शेड डाल सके और ये उसका लोड झेल सके। इस एनवायरमेंट कंट्रोल्ड पोल्ट्री शेड की हम आपको एक खास बात बता दें कि ओपन शेड के अंदर अगर 37 से 38 दिन के अंदर चूजा तैयार होता है, तो यहाँ पर उसे 32 से 33 दिन के अंदर चूजा यहाँ पर तैयार हो जाता है। मतलब फीड कन्वर्जन रेशो यहाँ पर अच्छी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीड के लिए 4 लाइन और पानी के लिए 5 लाइन है। जैसे कि पिछली वीडियोज में भी हमने आपको बताया कि फीडिंग लाइन और निप्पल सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया जाएगा, आप वह वीडियो देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक कर वह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर निप्पल सिस्टम का आप इस्तेमाल देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है और चूजा इससे पानी पीता है। इस फार्म की हम आपको खास बात बता दें कि यहाँ पर पानी, फीड या जो भी चीज़ें, आपका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, कूलिंग पैड चलानी है, ये सभी चीज़ें इस फार्म के अंदर है। सभी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक होती है। अगर आपने एनवायरमेंट कंट्रोल पोल्ट्री फार्म की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो शायद आपको यह समझ में ना आए, इसलिए सबसे पहले आप जाकर जो पुराने वाली वीडियो है एनवायरमेंट कंट्रोल पोल्ट्री शेड पर, वो जाकर देखें, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप यह वीडियो यहाँ पर देखें। यहाँ पर एक बार हाइट भी देख लेते हैं कि नीचे वाले पोर्शन की हाइट कितनी है। नीचे वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 7.5 या 8 फीट इसकी हाइट है। अगर आप इससे ज़्यादा हाइट रखते हैं तो उसका कोई आपको खासा फायदा नहीं होने वाला है। और उसके ऊपर अगर आप शेड बनाते हैं, साइड में आप दूसरा शेड ना बनाएं, इसके ऊपर ही शेड बनाएं, क्योंकि अगर आप साइड में शेड बनाते हैं वो एरिया भी ज़्यादा कवर करता है और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। यहाँ पर फैन अब आप देख सकते हैं, इस फैन का मेन काम है कि एयर फ्लो पूरे 400 फीट के अंदर यह बनाकर रखता है। यहाँ पर आप फीडिंग सिस्टम देख लेते हैं। इस फीडिंग सिस्टम की खास बात हम आपको बता दें कि जब भी इसके अंदर फीड कम होगा, फीड अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा, सभी काम ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीड किस तरीके का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उन्नत पोल्ट्री फार्म अपना ही खुद का फीड बनाता है। अगर आपको उन्नत पोल्ट्री फार्म से फीड खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका भी नंबर दिया जाएगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर फीड मंगा सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। इस फार्म के अंदर भी आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें सेम हैं। फीडिंग सिस्टम, निप्पल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग पैड सिस्टम, यह सभी चीज़ें यहाँ पर आपकी लगभग सेम हैं। यहाँ पर आप देख लेते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन की हाइट कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन की भी हाइट 7.5 से 8 फीट के करीब है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, छत की तरफ, कि यहाँ पर फॉल्स सीलिंग लगाई गई है। फॉल्स सीलिंग लगाने का मकसद है कि इस फार्म को आप पूरी तरह एनवायरमेंटली कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट फैन किस तरीके से काम करते हैं। एग्जॉस्ट फैन ऑटोमेटिकली काम करते हैं, जब भी उन्हें टेम्परेचर ज़्यादा दिखाई देता है फार्म के अंदर, तो वो चलने लगते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि जो फ्लोरिंग है उसके लिए चावल का छिलका इस्तेमाल किया जाता है। आने वाली वीडियोस में हम आपको जो बैटरी के सिस्टम है ब्रॉयलर फार्म के लिए, वो भी आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप एंड में देख सकते हैं कि जो फीडिंग सिस्टम है उसकी लाइन आपकी कहाँ से आ रही है। फीडिंग सिस्टम हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके का फीडिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर यह जो सामने आप देख रहे हैं, यह आपका फीडिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम आपको बैटरी के सिस्टम ब्रॉयलर के लिए और सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले फीड, दूसरा पानी,
तीसरा, जो चूजों की बीट होती है उसे बाहर ले जाना। चौथा, जो मुर्गियाँ ट्रक के अंदर लोड होती है वो भी ऑटोमेटिक तरीके से, और इसके अंदर टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए, ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन की जाए, और सारी चीज़ें आपको एक ब्रॉयलर फार्म बैटरी केज के अंदर यह सारी चीज़ें किस तरीके से होती है वो आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक आप ये वीडियो शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बिना बेल आइकन दबाए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और अगर कोई नई वीडियो डलेगी तो आपको वो पता नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।